भुवनेश्वर में सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने सब्जी मंडी में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर जागरूकता अभियान चलाया। इन लोगों ने सब्जी मंडी में दुकान लगाने वालों को मास्क बांटे और सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाए। उन्होंने कुछ लोगों को मास्क पहनने का तरीका बताया। इस बीच सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंचे लोगों को भी मास्क बांटे गए। उन्हें सैनिटाइजर से हाथ धोने का मतलब भी समझाया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सरकार की मदद का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 100 बेड का सेंटर बनाया गया है, जिसमें मरीजों के इलाज की सभी सुविधाएं होंगी। ये सेंटर सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की तरफ से सेवन हिल्स हॉस्पिटल में बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये भारत का अपनी तरह का पहला सेंटर है जिसमें नेगेटिव प्रेशर रूम है, यानी ऐसी तकनीक है जो क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने में मदद करती है। सभी 100 बेड बायोमेडिकल उपकरणों से लैस हैं, यानी उनमें वेंटिलेटर के अलावा पेसमेकर और डायलिसिस मशीनें जैसी सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा रिलायंस ने रोजाना 1,00,000 मास्क बनाने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिक्योरिटी सूट समेत कई सुरक्षा उपकरण बनाने का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने एक परिवार को घर पर क्वारंटीन कर दिया। बताया गया कि कुछ दिन पहले कोरोना के एक मरीज ने इस परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने इस परिवार के घर के आसपास के इलाके में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। प्रशासन ने उन लोगों की भी जांच शुरू करने का दावा किया जो कोरोना के मरीज से संपर्क में आने वाले परिवार से मिले थे। पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कर्फ्यू लगाने का असर दिखा। वहां लॉकडाउन बेअसर होने के बाद एक दिन पहले कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके बाद ज्यादातर लोग घरों से नहीं निकले। लेकिन इसी दौरान पंजाब के खन्ना में जब कुछ लोगों ने कर्फ्यू तोड़ने की गुस्ताखी की तो ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस वालों ने उन्हें सड़क पर ही घुटनों के बल चलने की सजा दी और चेतावनी देकर घर लौटा दिया। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ की सीमा दोनों तरफ से सील कर दी गई। मैं इस वक्त चंडीगढ़ और पंजाब के बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप देखिए, कर्फ्यू लगा होने की वजह से दोनों जो बॉर्डर हैं वो सील हैं। सामने चंडीगढ़ पुलिस कर्मी खड़े हैं और इस तरफ पंजाब पुलिस के जवान खड़े हैं। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ एम्बुलेंस, पेट्रोल डीजल के टैंकर या फिर इलाज के लिए जा रहे लोगों को ही आने जाने की छूट दी गई। गुजरात में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों की अनूठी पहल देखने को मिली। पुलिस वालों ने कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर उन जरूरतमंद परिवारों की मदद की जो लॉकडाउन की वजह से काम पर नहीं जा पा रहे। उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों को खाना खिलाया। इस बीच खाना बांट रहे पुलिस वाले और दूसरे लोग मास्क लगाए नजर आए। दुनिया भर के ज्यादातर देश जहां कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं, तो वहीं चीन के वुहान शहर में लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर से खोल दिया गया। कोरोना वायरस का केंद्र वुहान पिछले 2 महीने से लॉकडाउन था, लेकिन अब वहां हालात सामान्य हो रहे हैं और इसीलिए चीन की सरकार ने रेलवे, मेट्रो और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया, जिसके बाद सड़कों पर कुछ गाड़ियां दौड़ती दिखीं और बसों में इक्का दुक्का यात्री सफर करते नजर आए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से ठीक पहले वहां सभी मेट्रो, ट्रेनों और बसों को सैनिटाइज किया गया। रेलवे स्टेशनों पर भी बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। मेट्रो ट्रेनों में भी सफाई कर्मचारी सीट, फर्श, खिड़कियों समेत हर एक चीज को साफ करते रहे। हालांकि इस सब के बीच वुहान में आज एक नया मामला भी सामने आया। चीन में कोरोना वायरस से 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 70,000 लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के खतरों से निपटने के लिए देश भर में 21 दिनों यानी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। पीएम मोदी ने लोगों संक्रमण की गंभीरता को समझने, घरों में रहने की अपील की। उन्होंने लॉकडाउन के फैसले को एक तरह से कर्फ्यू जैसा बताया। आगाह किया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अगर इन 21 दिनों में हालात नहीं संभले तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। पीएम ने लॉकडाउन को लोगों के घरों के दरवाजे पर खींची लक्ष्मण रेखा बताया और चेतावनी दी कि घर से निकलने वाला एक कदम कोरोना को घर में ला सकता है। हालांकि पीएम ने एक ट्वीट के जरिए लॉकडाउन के समय लोगों को जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने देने का भरोसा दिया। पिछले 24 घंटों में 69 नए मामले सामने आने के बाद देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 536 पहुंच चुकी है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए
आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। रूस में दूसरे देशों से आए सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर ही रहने को मजबूर हो गए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद रूस ने अपनी सीमाएं बंद कर दी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद राजधानी मॉस्को में सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर ही फंस गए। एयरपोर्ट पर जिसको जहां जगह मिली वो वहीं लेट गया, जबकि कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। यही नहीं, रेस्टोरेंट बंद होने से इन लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए भी दिक्कतें उठानी पड़ी। हालांकि इस दौरान कुछ लोग यात्रियों में खाने पीने की चीजें बांटते दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर फंसे कई लोगों ने आरोप लगाया कि उड़ानें रद्द होने के बाद उनके पैसे भी नहीं लौटाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर फंसे ज्यादातर लोग किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के रहने वाले हैं। यूपी के सीतापुर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग फैक्ट्री में लकड़ी के गोदाम में लगी और थोड़ी ही देर में गोदाम में भड़की आग तेजी से फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों में फैल गई, जिसके बाद गोदाम के मालिक ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। 3 गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। फैक्ट्री में लकड़ी का सामान होने की वजह से आग तेजी से भड़की, जिसकी वजह से उसे बुझाने में दमकल कर्मचारियों को काफी समय लग गया। आग लगभग कंट्रोल में है और यहाँ थोड़ा सा पानी के सिस्टम की दिक्कत है, बाकी 3 गाड़ी लगे हुए हैं, आग कंट्रोल में। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लाईवुड फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वक्त रहते सभी कर्मचारी फैक्ट्री से भागकर बाहर आ गए। आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। कोरोना वायरस के मरीजों की मदद के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपने एक जहाज को ही अस्पताल में बदल दिया। ये जहाज बहुत जल्द लॉस एंजलिस रवाना होने वाला है, क्योंकि वहां कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और अमेरिकी नौसेना ने अपने जिस जहाज को अस्पताल बनाया है, उससे लॉस एंजलिस के कोरोना मरीजों की देखभाल में मदद मिलेगी। पानी पर तैरते इस अस्पताल में 1000 बेड और 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। इसके अलावा इसमें सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं। FEMA, state and local agencies efforts to protect the health of the American people in the whole of government approach directed by the President of the United States. फिलहाल ये जहाज केवल एक जगह पर रहेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और अमेरिका की सरकार ने आदेश दिया तो इस मुश्किल दौर में ये आसपास के इलाकों में भी महामारी से लड़ने में मदद करेगा। यूपी के कई जिलों में लॉकडाउन के बीच लोग जरूरी चीजों की खरीदारी करने के लिए बाहर निकले। लॉकडाउन की वजह से मुरादाबाद में बाजार बंद रहे, लेकिन सुबह होते ही लोग सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंच गए। हालांकि जिस मंडी में लोगों की भीड़ रहती थी वहां गिनती के ही लोग दिखाई दिए, और जो लोग पहुंचे भी वो कोरोना वायरस के डर से जल्दी जल्दी सामान खरीद कर अपने घर लौट गए। भीड़ भी लगती है और संक्रामक होने का भी डर लगता है, तो इसलिए हमें सावधानी से रहना चाहिए। प्रयागराज में भी सब्जी खरीदने के लिए मंडी में लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन सब्जियों के बढ़े हुए दाम सुनकर लोग हैरान दिखे। जो सब्जियां अभी तक नॉर्मल आसानी से मिल रही थी, दिक्कत हो रही मिलने में भी, और रेट का तो फर्क है ही है मार्केट में। अयोध्या में आज नवरात्रि के पहले दिन दशकों से टेंट में विराजमान रामलला को मंदिर में शिफ्ट किया गया। पूजा और हवन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला को टेंट से मंदिर में शिफ्ट किया। सीएम के अलावा पूजा में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के मेंबर और पुजारी शामिल हुए। 15 पुजारियों ने रामलला परिसर में हवन पूजन किया। जब तक मंदिर निर्माण का काम पूरा नहीं होता तब तक रामलला वहीं रहेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने सुबह सुबह पूजा की। रामलला मंदिर में शिफ्ट किए गए हैं और पहले पूजा हुई, उसके बाद मंदिर में रामलला को शिफ्ट किया गया। उनके साथ पुजारी भी शामिल थे। और जब तक मंदिर निर्माण का काम पूरा नहीं होता है तब तक रामलला यहीं पर रहेंगे। तस्वीरें सुबह के वक्त की है। सुबह सुबह
मुख्यमंत्री योगी पहुंचते हैं और पुजारी पूजा भी करते हैं। पूजा करने के बाद रामलला को शिफ्ट किया जाता है और अब जब तक मंदिर निर्माण का काम पूरा नहीं होगा रामलला यहीं पर विराजमान रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के अयोध्या से, जहां पर आज सुबह नवरात्रि के पहले दिन दशकों से टेंट में विराजमान रामलला को मंदिर में शिफ्ट किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का पावन पर्व भी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हजारों वर्षों के बाद इस पावन पुरी अयोध्या पुरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक नए आसन में विराजमान हुए हैं। हम सब इसके साक्षी बने हैं। तो अयोध्या में आज नवरात्रि के पहले दिन दशकों से टेंट में विराजमान रामलला को मंदिर में शिफ्ट किया गया। पूजा और हवन के बाद सीएम योगी ने रामलला को टेंट से मंदिर में शिफ्ट किया। सीएम के अलावा पूजा में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य और पुजारी शामिल हुए। 15 पुजारियों ने रामलला परिसर में हवन पूजन किया। जब तक मंदिर निर्माण का काम पूरा नहीं होता तब तक रामलला वहीं रहेंगे। कोरोना वायरस की मार झेल रहे इटली में लोगों के बर्ताव से वहां के मेयर भी बेहद नाराज दिखे। इटली में पूरी तरह लॉकडाउन के बावजूद लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि कोरोना की वजह से वहां अब तक 6,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां के मेयरों ने लोगों को समझाने का बीड़ा उठाया। हालांकि इस दौरान लुचेरा के मेयर अपना आपा खो बैठे और लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर बुरी तरह भड़क उठे। बारी शहर के मेयर भी मोर्चा संभालने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान बाहर मस्ती कर रहे कुछ लोगों से उनकी जोरदार बहस भी हुई। लॉकडाउन के बावजूद लोगों के मिलने जुलने की आदत पर मेसिना के मेयर ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने लोगों को जमकर फटकारा। कोरोना वायरस की वजह से इटली 9 मार्च से ही लॉकडाउन है। Ma questa la chiamiamo serietà. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia, non con i vicini di casa. कोरोना वायरस की वजह से इटली में 9 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बाद भी वहां कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और लोगों को इससे बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर 011-234-69526 जारी किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी इस हेल्पलाइन नंबर पर लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसकी देखरेख में एडिशनल DCP मोहम्मद आसिफ को भी लगाया गया है। पुणे की एक लेबोरेटरी ने कोरोना वायरस की जांच के लिए भारत में ही टेस्ट किट तैयार कर ली। बताया गया कि देश में पहली बार बनी कोरोना टेस्टिंग किट को भारत सरकार की एजेंसी ICMR ने भी मान्यता दे दी, जिसके बाद इस किट का देश में ही उत्पादन होने से कोरोना वायरस की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। ये किट हमने भले कोरोना के लिए पहली बार बनाई है, पर इस टेक्नोलॉजी पे हमें ऑलरेडी इससे पहले हमारे 4 अप्रूवल आए हैं और 94 प्रोडक्ट प्लस हमारे पास टेस्ट लाइसेंस में है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हमारा एक्सपर्टीज है। किट बनाने वाली माई लैब कंपनी ने दावा किया कि उनकी टेस्टिंग किट विदेश से मंगाई जा रही किट से बहुत ज्यादा किफायती है। अभी जो किट्स यूज हो रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उनसे लगभग 1/4 प्राइस में आपको मिल जाएंगे। हमारी अभी की जो कैपेबिलिटी है वो लगभग 1 से 1.5 लाख टेस्ट प्रोड्यूस करने की है हर वीक में, और हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम लोग इस कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए BMC ने इस बीमारी की घर बैठे जांच कराने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में रहने वाले उन लोगों का घर बैठे कोरोना टेस्ट हो पाएगा जिन्हें लगता है कि उनमें इस खतरनाक वायरस के लक्षण हैं। इसके लिए आने वाले 2 दिनों के अंदर BMC एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगी, जिस पर इस कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज टेस्ट के लिए अपनी जानकारी देंगे। इसके बाद ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रजिस्टर्ड निजी लैब के लोग मरीज के घर जाकर उनकी जाँच करेंगे। घर में जाँच की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि वो लोग अपने घरों से बाहर न निकल सकें जो इसका टेस्ट कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस में से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ इस बीमारी के 100 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त है 8 बजे के कोरोना बुलेटिन का।
हर घंटे हम आपके लिए इसी तरह का कोरोना बुलेटिन लेकर आएंगे, जिस पर कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट और सटीक जानकारी भी मिलेगी। साथ ही हम आपसे ये अपील भी करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। दरअसल कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए देश भर में 21 दिनों यानी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को समझने और घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने लॉकडाउन के फैसले को एक तरह से कर्फ्यू जैसा बताया और आगाह किया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अगर इन 21 दिनों में हालात नहीं संभले तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। पीएम ने लॉकडाउन को लोगों के घरों के दरवाजे पर खींची लक्ष्मण रेखा बताया और चेतावनी दी कि घर से निकलने वाला एक कदम कोरोना को घर में ला सकता है। हालांकि पीएम ने एक ट्वीट के जरिए लॉकडाउन के समय लोगों को जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने का भी भरोसा दिया। पिछले 24 घंटों में 69 नए मामले सामने आने के बाद देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 536 पहुंच चुकी है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से 21 दिनों के लॉकडाउन की पीएम की अपील को सफल बनाने की गुजारिश की। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाने को सबसे बड़ा हथियार बताया। अमित शाह ने कोरोना से निपटने के लिए 15,000 करोड़ का फंड जारी करने के लिए पीएम का आभार जताया। साथ ही उन्होंने लोगों का जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने का भरोसा दिया, साफ कर दिया कि लॉकडाउन से घबराने की जरूरत नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की अपील की। भागवत ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की। ऐसी परिस्थितियों में जो राहत की आवश्यकता होती है, शासन प्रशासन की अनुमति और सलाह से उस सारे राहत का प्रबंधन करना, ये सारे काम स्वयंसेवकों ने शुरू कर दिए है। संकट का फैलाव इतना नहीं था, इसलिए जहां था वहां शुरू हो गए। हो सकता है सारे देश में हमको कुछ करना पड़े। जहां जहां जैसी आवश्यकता है वहां अपने तरफ से सारे अनुशासनों का, निर्बंधों का पालन करते हुए और समाज भी उसमें ठीक चले और हम सब मिलकर इस आपत्ति को परास्त करें, ऐसा हम सबको करना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लॉकडाउन के समय गरीब लोगों के खाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की और हर पंचायत में एक हेल्पलाइन खोले जाने की भी जरूरत बताई। सारे देश में जब लॉकडाउन चलेगी तो हमारे जिंदगी गुजारने के लिए, गरीब लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। पेट कैसे लॉकडाउन होगा? पेट तो लॉकडाउन नहीं सुनेगा। तो इसलिए मेरा गुजारिश है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कि वो सब गरीब लोगों के लिए भी आपको सोचना चाहिए। देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान होते ही लोगों के बीच जरूरी सामान खरीदने की अफरा तफरी मच गई, जिसकी झलक मुंबई के भी कई इलाकों में दिखाई थी। मुंबई के चेंबूर में लोग अचानक घरों से निकल पड़े और देखते ही देखते दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।
दुकान पर पहुंचकर लोगों ने अपनी जरूरत का सामान खरीदा। हालांकि सरकार की ओर से ये साफ किया गया कि लॉकडाउन के समय जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। भुवनेश्वर में सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने सब्जी मंडी में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर जागरूकता अभियान चलाया। इन लोगों ने सब्जी मंडी में दुकान लगाने वालों को मास्क बांटे और सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाए। उन्होंने कुछ लोगों को मास्क पहनने का तरीका भी बताया। इस बीच सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंचे लोगों को भी मास्क बांटे गए। उन्हें सैनिटाइजर से हाथ धोने का मतलब भी समझाया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने एक परिवार को घर पर क्वारंटीन कर दिया। बताया गया कि कुछ दिन पहले कोरोना के एक मरीज ने इस परिवार के लोगों से मुलाकात भी की थी। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने इस परिवार के घर के आसपास के इलाके में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया। प्रशासन ने उन लोगों की भी जांच शुरू करने का दावा किया जो कोरोना के मरीज से संपर्क में आने वाले परिवार से मिले। गुजरात में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों की अनूठी पहल देखने को मिली। पुलिस वालों ने कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर उन जरूरतमंद परिवारों की मदद की जो लॉकडाउन की वजह से काम पर नहीं जा पा रहे। उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों को खाना खिलाया। इस बीच खाना बांट रहे पुलिस वाले और दूसरे लोग मास्क लगाए नजर आए। देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होते ही पुणे में किराने की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए देर रात तक दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सरकार ने लॉकडाउन के समय जरूरी सामान की दुकानें खुली रहने का भरोसा दिया है, लोगों को भीड़ से बचने की नसीहत दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में खड़े दिखाई दिए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी लॉकडाउन का ऐलान होते ही लोग खरीदारी करने दुकानों में पहुंचने लगे। देखते ही देखते दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां पहुंचे पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका भीड़ पर कोई असर नहीं दिखा। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर कतार में लगे नजर आए। तमिलनाडु में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की आशंका से बस अड्डे और सब्जी मंडी में अफरा तफरी का माहौल दिखा। देश भर में लॉकडाउन के ऐलान से पहले तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसकी वजह से अपने अपने घरों को जाने के लिए बस स्टेशनों में भीड़ जुटने लगी और बसें खचाखच भरी नजर आई। ऐसा ही नजारा वहां की सब्जी मंडी में भी दिखाई दिया, जहां सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार के भोजपुर में एक युवक को टिकटॉक वीडियो के जरिए कोरोना वायरस पर अफवाह फैलाना भारी पड़ गया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी की पहचान शुरू की और उसके बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पंजाब के जलंधर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगे कर्फ्यू के बीच पुलिस वालों ने इलाके के गरीब परिवारों को खाने पीने का सामान बांटा। बताया गया कि इलाके के लोगों ने पुलिस को वहां झुग्गियों में रह रहे 300 से ज्यादा ऐसे परिवारों की जानकारी दी जो कर्फ्यू की वजह से काम पर नहीं जा पा रहे थे। इसके बाद लोगों ने इन परिवारों के लिए खाने पीने के सामान के पैकेट बनाकर पुलिस को दिए और पुलिस वालों ने झुग्गियों में जाकर ये पैकेट इन परिवारों में बांटे। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने देश भर में 21 दिन तक लॉकडाउन लागू करने का फैसले का स्वागत किया। कैफ ने एक वीडियो जारी कर लोगों से लॉकडाउन के समय नियमों का पालन करने की अपील की। दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि मुझे मालूम है आप सब घर पे ही होंगे। दौर ऐसा है, हालात ऐसे हैं, गंभीर माहौल चल रहा है। अगर मैं खेल की जबान में आपको बताऊं तो कोरोना को हम हरा सकते हैं। उसका तरीका है कि ये बड़ा शॉट लगाना चाह रहा है और जो क्लोजिंग फील्डर उसको आप दूर दूर भेज दीजिए, पास पास ना रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अगर फील्डर आप बाउंड्री लाइन पर जमा देंगे तो कोरोना वहाँ कैच आउट हो जाएगा। यही दरख्वास्त है इल्तिजा आपसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से मचे कोहराम के बीच पटना में एक अनूठी शादी हुई। यूपी के गाजियाबाद में जारी लॉकडाउन की वजह से दूल्हा शादी के लिए पटना नहीं पहुंच पाया।
जिसके बाद दोनों परिवारों ने ऑनलाइन शादी करवाने का फैसला किया। इसके लिए पटना में सज धज कर बैठी दुल्हन की एक टीवी मॉनिटर पर दिख रहे दूल्हे के साथ शादी की गई। इस बीच दोनों परिवारों के लोग मौजूद रहे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी हो चुका है। कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इन छुट्टियों में केरल के कोशिकाकोड में चौथी क्लास के एक बच्चे ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोबोट तैयार किया है। बताया गया कि ये रोबोट हाथों को सैनिटाइजर से साफ करने में मददगार साबित हो सकता है। ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसके जरिए उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में घर में रहने की अहमियत के बारे में बताया। वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें और ये वक्त अपने परिवार से या अपने दोस्तों से मिलने जुलने का नहीं है, पार्टीज में जाने का नहीं है। प्लीज़ मेरी बात सुनिए, अगर आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना है तो आप फ़ोन का या वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। झारखंड के पाकुड़ में लॉकडाउन के बाद भी बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस सख्ती से पेश आई। सिर्फ जरूरत का सामान लाने के लिए ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की छूट है। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी जो लोग बिना काम के घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे, उनसे पुलिस ने अब सख्ती से निपटना शुरू कर दिया। सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस लाठियां बरसाती नजर आई। पिटाई से बचने के लिए कुछ लोग बहाने भी बनाते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर तो पुलिस वालों से लोग उलझते भी दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें आगे जाने से रोका और लॉकडाउन का मतलब समझाया तो वो उनसे बहस करने लगे। लेबनान में 21 मार्च को मदर्स डे के मौके पर वहां के एक इलाके में कुछ लोगों ने ड्रोन के जरिए अपनी माओं को फूल भिजवाए। कोरोना वायरस की वजह से पूरे लेबनान में लॉकडाउन लागू है, लेकिन ऐसे हालात में भी लोग अपनी माओं के लिए प्यार का इजहार करने से पीछे नहीं रहे और उन्हें ड्रोन के जरिए फूल भिजवाए, जिन्हें पाकर इन महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ड्रोन से आए फूलों को देखते ही महिलाएं खुशी से झूम उठी, जबकि कई महिलाएं फूलों को चूमने लगी। महिलाओं तक फूल पहुंचाने के लिए उन्हें ड्रोन में एक महीन रस्सी से बांध दिया गया और फिर बालकनी और खिड़की से महिलाओं तक पहुँचाया गया। इतना ही नहीं, फूलों को महिलाओं तक पहुँचाने से पहले उन्हें अच्छी तरह पैक भी किया गया और पैक करते वक्त साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया। महिलाओं के परिवार के लोग भी ड्रोन के जरिए आते फूलों को देखकर हैरान रह गए और उसका वीडियो बनाने लगे। लॉकडाउन में दूध की सप्लाई जारी रहेगी। दूध कंपनियों ने कोरोना वायरस की वजह से देश भर में 21 दिनों तक लागू लॉकडाउन के समय दूध की सप्लाई में कमी नहीं आने का भरोसा दिया। बिहार के गया में एक मंदिर में कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में प्रशासन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू कर्फ्यू में ढील का भरोसा दिया ताकि लोगों को जरूरी काम के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। यूपी से बीजेपी सांसद आरके सिंह पटेल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सांसद निधि से चित्रकूट और बांदा जिलों के लिए 50-50 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। कोरोना वायरस की मार झेल रहे स्पेन के अस्पतालों की हालत खराब होने लगी है। कोरोना वायरस की वजह से स्पेन में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से अस्पतालों में लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी। कुछ अस्पतालों का हाल तो इतना बुरा है कि इलाज के लिए वहां पहुंचे मरीज जमीन पर लेटे रहने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस की वजह से एक साथ कई लोगों के बीमार पड़ने से अस्पतालों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया है, जबकि बीमार लोगों का अस्पताल पहुंचना भी लगातार जारी है। अस्पतालों की कमी और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेन की सरकार ने तुरंत नए अस्पताल बनवाने तेज कर दिए। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक बड़े इलाके में अस्थायी अस्पताल भी बना लिया गया, जबकि एक साथ काम पर लगे सैकड़ों कर्मचारियों ने मरीजों के लिए एक तय दूरी पर बेड लगाने का काम भी तेज कर दिया। सरकार के इस फैसले पर स्पेन के लोगों ने भी खुशी जताई। यूपी के उन्नाव से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने वहां की कई फैक्ट्रियों में छापा मारा। विधायक को फेसबुक के जरिए ये जानकारी मिली थी कि इलाके के कुछ लोग कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बावजूद नियम तोड़ते हुए अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं।
जिसके बाद बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता कुछ लोगों के साथ इलाके की फैक्ट्रियों की जांच करने पहुंच गए। एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हुए मिले तो विधायक ने तुरंत वहां के मालिक को बुलाकर फैक्ट्री को बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रहे सारे कर्मचारियों को भी घर जाने को कहा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्रियां भी ऐसी मिली जिनमें चोरी छिपे काम चल रहा था। विधायक ने सभी फैक्ट्री मालिकों को काम बंद करने के निर्देश दिए। चलनी नहीं चाहिए फैक्ट्री बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। विधायक ने इलाके की कई फैक्ट्रियों का दौरा किया जिनमें कुछ के अंदर कर्मचारी नजर आए, जबकि कुछ ऐसी भी दिखी जिनमें कोरोना के डर और लॉकडाउन की वजह से काम बंद पड़ा था। सूचना मिली थी कुछ उद्योग यहाँ पर चल रहे हैं जिसमें तमाम लेबर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आया था, हालांकि यहाँ मेन प्लांट नहीं चल रहा था लेकिन कुछ सिविल वर्क चल रहा था। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग को खाली करवा दिया। सरकार ने कई बार शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वालों से हटने की अपील की लेकिन वो नहीं माने और अपनी सेहत को दांव पर लगाकर धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को जबरन शाहीन बाग खाली करवाना पड़ा, जिसके लिए सुबह सुबह बड़ी तादाद में पुलिस वाले शाहीन बाग पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन की जगह लगे टेंट उखाड़ दिए। साथ ही पुलिस ने वहां मौजूद बाकी सामान भी हटवा दिया। फिलहाल आप देखेंगे जो यहां पर मंच था उसे हटा दिया गया है, इस तरह गाड़ी में जो सामान है वो रख दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे एक गाड़ी उस तरफ लाद कर ले जा रही है जो भी प्रोटेस्ट साइट पर मंच लगा था। प्रदर्शन की जगह खाली करवाने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने आज सुबह शाहीन बाग का धरना खत्म करा दिया है, लेकिन शाहीन बाग के इलाके में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फ्लैग मार्च यहां पर हो रहा है, लेकिन शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोगों का अड़ियल रुख बरकरार रहा और वो कोरोना जैसी महामारी के खतरे को दावत देते नजर आए, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई के विरोध में वहां की गलियों में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने ये कह रहा 5 लोग आप बिठाओ, 5 लोग कुल लेडीज बैठी हुई थी, बाकी कोई नहीं बैठा हुआ था। इन लोगों ने धोखा करके प्रोटेस्ट को डैमेज कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस विरोध को गलत ठहराया और अपनी कार्रवाई को सही बताया। आज मॉर्निंग में करीबन 7:45 बजे के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे फिर उनसे रिक्वेस्ट की, अपील की कि वो प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दे, अदरवाइज तो ये बहुत भयंकर बीमारी है जो लोगों को लग सकती है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ, हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, रेजिस्टेंस के बाद में 9 लोगों को डिटेन किया। हालांकि शाहीन बाग में धरना खत्म होने के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की जरूरत थी और प्रशासन ने ऐसा ही किया, क्योंकि वहाँ 3 महीने से ज़्यादा समय से लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया था। लेकिन शाहीन बाग इलाके के कुछ लोगों को उस खतरे का एहसास नहीं था, यही वजह रही कि सैनिटाइजेशन के दौरान कुछ लोगों ने उसमें रुकावट डालने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने डांट कर वहां से हटाया। इस दौरान एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसके बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। साफ सफाई के दौरान MCD के कर्मचारियों ने जगह जगह दवा का छिड़काव किया। शाहीन बाग का धरना पुलिस ने आज खत्म करवा दिया, लेकिन यहाँ पर अब देखिए कोरोना की वजह से इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से दिल्ली में धारा 144 लागू है, यही वजह रही कि शाहीन बाग का धरना खत्म करवाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर इलाका भी खाली करवा दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर धरना दे रहे थे और वहां उनका बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए जैसे ही दिल्ली में धारा 144 लागू हुई पुलिस एक्शन में आ गई और उसने शाहीन बाग की तरह ही जामिया नगर इलाके से भी प्रदर्शनकारियों का सारा सामान हटवा दिया और वहां लगे बड़े बड़े पोस्टर फाड़ दिए, जिसके बाद वहां का सारा सामान ट्रक में भरकर पुलिस अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी। जामिया के सामने जो मंच लगा था CAA को लेकर उसे दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही जगह है गेट नंबर 7 जहाँ पर 15 दिसंबर से एक प्रोटेस्ट साइट ये बना हुआ था। कोरोना वायरस से बचने के लिए दिल्ली में फिलहाल 8 ऐसी जगहों को खाली करवाया गया जहां प्रदर्शन हो रहे थे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और लोगों को इससे बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर 01123469526 जारी किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी इस हेल्पलाइन नंबर पर लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसकी देखरेख में एडिशनल DCP मोहम्मद आसिफ को लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के बाद खाने पीने के सामान की कीमतें काफी बढ़ गई, जिससे लोगों का बजट बिगड़ गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य भर में लॉकडाउन लागू है, जिसका असर राजधानी कोलकाता में भी दिखा। लॉकडाउन के बीच कुछ लोग जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए बाहर निकले, लेकिन ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा ही पसरा रहा। कोलकाता आज पूरी तरह लॉकडाउन पर है, लेकिन बाजार खुले हैं। जो जरूरी चीजें हैं, फल, सब्जियां, दूध, इसके अलावा दवाएं और कई पेट्रोल पंप भी आज खुले हैं।
मंडी पहुंचे कुछ ग्राहकों ने दावा किया कि सब्जियों के दाम बढ़ने से उनके बजट पर भी असर पड़ रहा है। कल हमने देखा कि सामान बहुत जल्दी खत्म हो गया था, आज आए हैं सामान तो है लेकिन दाम सबका बढ़ा हुआ है। वहीं उत्तर 24 परगना में भी लोग अपने घरों से निकले और बाजार में मछलियां और दूसरी चीजें खरीदते दिखाई दिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू होने के बावजूद उत्तराखंड के कई शहरों में चहल पहल दिखी। राज्य सरकार ने वहां रोजाना केवल सुबह 7 से 10 बजे तक ही दुकानें खुली रहने का फैसला किया है, जिसके बाद राजधानी देहरादून में भी लोग जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकले, जिस वजह से बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दाल, चावल, आटा और दूसरा सामान लेने के लिए कोई पैदल घर से निकला तो कोई स्कूटर, बाइक और कार से बाजार पहुंचा। ऐसे में सड़कों पर इतनी भीड़ हो गई कि वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया। भीड़ इतनी है कि आदमी कहां से सामान खरीदेगा, भीड़ बहुत ज्यादा है मार्केट में। कमोबेश अल्मोड़ा में भी हालात ऐसे ही दिखाई दिए। कई लोग सड़कों पर नजर आए और जरूरत का सामान घर ले जाते दिखे। हालांकि इस दौरान ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, सिर्फ दवाओं और खाने पीने के सामान की दुकानें ही खुली मिली। इस बीच पुलिस ने माइक के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। मरीज जा रहा है या आपात स्थिति में जो गाड़ी आएगी वही चलेगी। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करते पे कोई पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गाड़ी सीज भी की जाएगी। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के खौफ के बीच चौथी मंजिल से एक जोड़े की शादी की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। वहां शादी के लिए उस अधिकारी का होना जरूरी था जो उस वक्त इमारत की चौथी मंजिल पर मौजूद थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए ये जोड़ा उस अधिकारी से बातचीत के बाद उनकी इमारत के बाहर पहुंचा और फिर शादी की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के तहत अधिकारी के पूछने पर दोनों ने शादी के लिए हामी भरी। इस जोड़े की शादी के दौरान कुछ लोग सड़क पर नजर आए तो कुछ खिड़कियों से नीचे झांकते दिखे। इस बीच अधिकारी ने इस जोड़े के शादीशुदा होने का ऐलान किया। बताया गया कि इस जोड़े को इस साल अक्टूबर में शादी रचानी थी, लेकिन कोरोना वायरस के और फैलने के डर से उन्होंने पहले ही शादी करने का फैसला कर लिया। शरद पवार ने अपनी बेटी के साथ शतरंज खेला। कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र में जारी कर्फ्यू के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ चेस खेलते नजर आए। पंजाब के अमृतसर में प्रशासन ने कर्फ्यू के समय हर घर में दूध, दवा और गैस जैसे जरूरी सामान पहुंचाए जाने का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को कहा। झारखंड के रांची से चीन, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से आए 11 मौलवियों को हिरासत में लेकर क्वारंटीन में भेजा गया। ये सभी मौलवी एक मस्जिद में ठहरे थे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक यूपी के 51 मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे ताकि कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज हो सके। और इसके लिए सरकार राज्य के 27 निजी मेडिकल कॉलेजों को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा राज्य के 13 बड़े अस्पतालों में भी 200 बेड वाले आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, अगले एक हफ्ते के अंदर राज्य में 11,000 आइसोलेशन बेड तैयार करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही योगी सरकार ने राज्य के बड़े डॉक्टरों की सूची भी मांगी है ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। प्रदेश के 51 मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में बाकायदा जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जाएं और वहां स्थिति को देखें, समीक्षा करें। बिहार में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अब पुलिस सख्ती बरत रही है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल गए थे। जिनको रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की। सहरसा में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी सड़कों पर उतरे और शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। हम लोगों की कोशिश है कि लोग इस नियम का पालन करें लॉकडाउन का, क्योंकि लोगों के लिए ही किया गया है, लोग इससे संपर्क में ना आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें छपरा से भी सामने आई। पुलिस वालों ने कई सड़कों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया और वहां से आने जाने वाले लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा गया। हालांकि पुलिस वालों ने जरूरी काम से बाहर निकले लोगों को पूछताछ के बाद आगे भेज दिया। ठीक मेरे पीछे ये जो इलाका है, ये छपरा का नगर थाना चौक है, जहां पे आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों ने किस तरह से बैरिकेडिंग लगा रखी है और लोगों को, हर आने जाने वालों को रोका जा रहा है। सीतामढ़ी में भी पुलिस वालों ने सख्ती बरती और सड़क पर उतरे लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए। इस दौरान जरूरी सामान लेकर जाने वाले ट्रकों को भी रोककर पूछताछ की गई। केरल के तिरूर में एक तेज रफ्तार बाइक की स्कूटर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा तब हुआ जब स्कूटर चला रहा आदमी अपने स्कूटर को बीच सड़क पर ही मोड़ने लगा।
लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक स्कूटर से टकरा गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अपने परिवार के साथ स्कूटर पर सवार वो आदमी एक दुकान के सामने खड़ा नजर आया। सामान लेने के बाद लौटने के लिए वो बीच सड़क पर ही अपना स्कूटर मोड़ने लगा। इस कोशिश में वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन जब तक वो स्कूटर मोड़कर अपनी लेन में आता दूसरी तरफ से एक बाइक आ गई। मोड़ होने की वजह से बाइक सवार स्कूटर को देख नहीं पाया और दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से स्कूटर पर सवार महिला बाइक के नीचे दब गई। हादसे को देख आसपास मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े और सड़क पर गिरे लोगों को उठाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान बाइक सवार भी उनकी मदद करता नजर आया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आईं। इटली में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का आंकड़ा रोज बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पहले कोरोना वायरस की वजह से 743 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पूरे इटली में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 6820 पहुंच गई। अमेरिका में भी कोरोना अपने पैर तेजी से पसारते जा रहा है। अमेरिका में सोमवार को सिर्फ एक दिन में 100 लोगों की मौत हो गई। ईरान में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहां पर कोरोना से 122 और लोगों की जान चली गई। स्पेन में भी कोरोना का कहर जारी है। महज एक दिन में वहां पर 514 और लोगों की मौत हो गई। कोरोना से मरने वालों की संख्या वहां पर 2696 हो गई है, जबकि 6500 से ज्यादा कोरोना के नए केस स्पेन में सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में अब तक कोरोना के 4,00,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा लोग अब तक इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। फिल्मी कलाकारों ने भी लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान लोगों से घर में रहने की अपील की है। शाहरुख खान ने तो लोगों को जागरूक करने के लिए एक 5 मिनट की फिल्म बनाकर इंटरनेट पर डाल दी और अपनी मशहूर फिल्मों के सीन जोड़कर हल्के फुल्के अंदाज में लोगों को कोरोना वायरस के लक्षण बताए। फटीग, थकान, सोर थ्रोट, गले में तकलीफ, बस बहुत हो गया। शाहरुख ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके भी बताए। सेल्फ क्वारंटीन एट होम, इफ पॉसिबल। दूसरों को अपने आप को छूने ना दें, खुद भी दूसरों को मत छुएं और सबसे पहले अपने चेहरे को अपने हाथों से भी छूना छोड़ दीजिए, चाहे कितना भी खूबसूरत। अनुपम खेर ने भी एक वीडियो इंटरनेट पर डालकर लोगों से घर में रहने की अपील की। अनुपम खेर ने अपनी बात एक गजल के जरिए कही। तुमने खाक छानी है हर गली चौबारे की, थोड़े दिन की तो बात है, अपने ही घर में रहो। कई फिल्मी सितारों ने अपने अपने अंदाज में लोगों से घर पर रहने की अपील की। कैटरीना कैफ ने भी एक वीडियो इंटरनेट पर डाला जिसमें वो घर के बर्तन साफ करती नजर आईं। कैटरीना ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके घर पर काम करने वाला कोई नहीं आ रहा, इसलिए वो घर के काम खुद ही कर रही हैं। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद इंटरनेट का इस्तेमाल अचानक बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में 40% इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया, जो कि रोजाना और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों ने अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनियों से बातचीत की है, ताकि वो इन हालात में अपने ग्राहकों को वीडियो की HD के बजाय SD क्वालिटी देने पर विचार करें। टेलीकॉम कंपनियों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए फेसबुक और डिज्नी जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने अपनी वीडियो क्वालिटी से समझौता कर लिया है। जबकि भारत में BSNL और MTNL समेत रिलायंस जियो ने भी मुफ्त डेटा पैक की पेशकश की है, ताकि उनके ग्राहक बिना किसी परेशानी के घर से काम कर सकें। कोरोना वायरस के बीच ही चीन में हेंटा वायरस की चपेट में आने से एक आदमी की मौत हो गई, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यूनान प्रांत का 32 साल का एक आदमी बस से शेंडोंग प्रांत जा रहा था और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जांच में उस आदमी को हेंटा वायरस होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद बस में सवार सभी लोगों की जांच कराई गई। हालांकि किसी और में इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खबर फैलते ही ट्विटर पर हेंटा वायरस नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। बताया जा रहा है कि ये बीमारी चूहों और गिलहरियों के जरिए फैलती है और ये वायरस हवा या फिर बीमार आदमी के छूने से नहीं फैलता। इंसानों में ये वायरस तभी फैल सकता है जब संक्रमित चूहा या गिलहरी किसी को काट ले या फिर उनका मलमूत्र छूने के बाद कोई आदमी उसी हाथ से आंख, नाक या मुंह छूने की गलती कर दे। ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में PM के ऐलान के बाद ताली और थालियां बजाई गई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों ने थालियां और तालियां बजाकर देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लागू किए जाने के PM के ऐलान का स्वागत किया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज से दूध, सब्जी और दूसरा जरूरी सामान घरों तक पहुंचाने का भरोसा दिया। लोगों से बाजार नहीं जाने की अपील की। यूपी के शामली में दुबई से लौटे एक व्यक्ति को कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसके पूरे परिवार को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए केरल से यूपी के आजमगढ़ लौटे 15 लोगों की मेडिकल जांच करवाई गई। जांच में कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिलने के बाद सभी को घर भेज दिया गया। देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद यूपी के चित्रकूट में डीएम और एसपी लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर निकले और दुकानदारों को भी कालाबाजारी से बचने की हिदायत दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस की वजह से 4 दिन पहले लगाए गए कर्फ्यू का असर अब दिखने लगा है। राज्य में 30 से ज्यादा लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मरीज भीलवाड़ा से ही सामने आए, जिसके बाद लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन ने 4 दिन पहले पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया था, जिसका असर अब दिखने लगा है। हम खड़े हैं भीमगंज थाना क्षेत्र के बाहर। आप ये देखिए, पूरी तरह से आज जो कर्फ्यू का असर है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। सुबह से पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, लोगों को रोक रहे हैं। इस दौरान कुछ पुलिस वाले लोगों को आने जाने से रोकने के लिए एक सड़क पर बैरिकेड लगाते दिखाई दिए, जबकि शहर की दूसरी सड़कें कर्फ्यू लगने की वजह से सुनसान नजर आईं। पूरी तरह से लॉकडाउन किया हुआ है, लोगों से अपील की गई है कि वो घरों से नहीं निकलें और जो घातक बीमारी है इसके संक्रमण से बचें। कर्फ्यू की वजह से रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है और एक जगह 5 से ज्यादा लोग जमा न हो सकें, इसके लिए शहर में धारा 144 लगाई गई है, ताकि लोग इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आने से बचे रहें। लेकिन झालावाड़ में इसका कोई असर ही नहीं दिखाई दिया। वो इसलिए क्योंकि तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शहर की एक मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ इतनी थी कि आने जाने में भी लोगों को दिक्कतें हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी वहां मौजूद हर आदमी बेपरवाह दिखा। यही नहीं, मंडी में मौजूद ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखे थे, हालांकि कुछ लोग कपड़े से अपने नाक और मुंह ढके नजर आए। राजस्थान में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू होने के बावजूद घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस अब सख्ती बरत रही है। आदेश नहीं मानने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने राज्य के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया, जिसके तहत जयपुर में जैसे ही सड़क पर पैदल आते हुए दो लोग दिखे, पुलिस ने उन्हें रोका और उनके हाथ में पर्चे पकड़ा दिए। पर्चे पर मैं समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ लिखा नजर आया। पर्चे में ये भी लिखा दिखाई दिया कि मैं अपने घर में नहीं रहूंगा, ना ही मास्क लगाऊंगा। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले कुछ और लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा और इसी तरह उनके हाथों में पर्चे थमा दिए। लॉकडाउन के बावजूद जयपुर के अंदर लोग मान नहीं रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं और आखिरकार पुलिस को सख्ती के साथ में अब देखिए कि किस तरीके से पोस्टर देने पड़े इनके हाथों के अंदर। लोगों ने भी बाहर निकलने की वजह बताई और माफी भी मांगी। क्यों निकले आप बाहर? पैसे जमा करवाने। काहे के पैसे? हमारी गाड़ी किस्त थी। सॉरी सर, नहीं निकलेंगे। पुलिस ने दावा किया कि लोगों को पर्चे पकड़ाने का असर भी हुआ, वो बेइज्जती के डर से अब बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। सुबह से जो सख्ती की गई है उसका असर अभी अपने को बाजार में देखने को मिल रहा है और काफी सुधार है, काफी तेजी से लोग समझ रहे हैं इस बात को। भीलवाड़ा में भी पुलिस ने लॉकडाउन के वक्त घर से बाहर घूम रहे लोगों को पर्चे पकड़वाकर उनकी तस्वीरें खींची और वायरल कर दी। इसके साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से लोगों को इनकम टैक्स समेत कई मामलों में राहत दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कारोबारी साल 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून कर दी, जो 31 मार्च थी। इसके अलावा देर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 महीने तक लोगों को दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगले 3 महीने तक बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं होगा, यानी कि उस पर लगने वाला चार्ज खत्म कर दिया गया। यही नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने और जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख भी 30 जून कर दी गई। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के केंद्र सरकार ने जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान करेगी। एक दिन पहले संसद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह मुद्दा उठाया था, जिसके अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह बड़ा ऐलान कर दिया। इन माय ट्वीट अनाउंसिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वर्क इज गोइंग ऑन एंड वी आर वेरी क्लोज टू कमिंग अप विद एन इकोनॉमिक पैकेज व्हिच विल बी अनाउंस्ड सूनर रादर देन लेटर। कर्नाटक के हुबली में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दवाई का छिड़काव किया गया। वहां इस बीमारी से पीड़ित 38 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद वहां साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में दवाओं का भी छिड़काव हो रहा है।
इसके लिए नगर निगम के कर्मचारियों की मदद ली गई, जो सड़कों पर उतरे चप्पे चप्पे पर दवा छिड़की गई। ब्रिटेन के वेल्स में नर्सिंग होम में रहने वाले बुजुर्गों और बच्चों को तरह तरह के खेलों के जरिए व्यस्त रखा जा रहा है। वहां लॉकडाउन की वजह से नर्सिंग होम में किसी के भी आने जाने पर रोक है। ऐसे में वहां रहने वाले लोग परेशान ना हो जाएं, इसके लिए उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जा रहा है। एक नर्सिंग होम का स्टाफ वहां रहने वाले बुजुर्गों को खेल खिलवाता नजर आया। इन बुजुर्गों को खास तरह की बास्केट दी गई थी, जिनकी मदद से ये फर्श पर पड़ी गेंदों को समेटने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान नर्सिंग होम के स्टाफ ने भी इनकी पूरी मदद की। इसी तरह वहां रहने वाले बच्चों के लिए भी खेल कूद का इंतजाम किया गया। एक कलाकार तो नर्सिंग होम के बाहर बैगपाइप बजाता नजर आया। नर्सिंग होम में रहने वाली एक बुजुर्ग अपना 100वां जन्मदिन मनाती दिखी। इस दौरान वहां कुछ लोग भी पहुंचे, जिन्होंने शीशे की दीवार के दूसरी तरफ से उनका हालचाल लिया। बिहार के कया में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी। नक्सलियों ने जंगल के बीच 64 बारूदी सुरंगें बिछाई थी, लेकिन इससे पहले कि उनके मंसूबे कामयाब हो पाते, सुरक्षा बल ने बारूदी सुरंगों का पता लगा लिया। एक बड़ा हादसा टल गया। वक्त रहते एक सुनसान पहाड़ी पर जोरदार धमाके के जरिए बारूदी सुरंगों को नष्ट किया गया। बिहार में लॉकडाउन के बाद सरकार ने कई शहरों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए नगर निगम की टीम ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी एक टैंकर में दवा भरकर पूरे शहर की सड़कों को सैनिटाइज करने में जुट गए। इस दौरान सड़कों के किनारे लगे बिजली के खंभों और दीवारों पर भी दवा का छिड़काव किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पटना के बेली रोड पर लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है और पटना के ज्यादातर इलाकों में यह काम कल रात से शुरू किया गया है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए सरकार कई शहरों को इसी तरह से सैनिटाइज करवा रही है। बताया गया कि खुद मुख्यमंत्री इस काम पर नजर रख रहे हैं।